मौज मस्ती चाहिए, शिव तीर्थ आइए। मध्य भारत का एकमात्र बेस्ट पिकनिक स्पॉट, जहां मिलेगा वाटर पार्क के साथ बोटिंग, एडवेंचर, पिकनिक, शादी और नाइट कैंपिंग इत्यादि। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, शिव तीर्थ मन पसंद। शिव तीर्थ उमरी डैम सामने नागपुर, भूल ना जाना शिव तीर्थ आना। अकोला जिले से बॉक्सिंग में अच्छे एथलीटों को आगे आते देखना अच्छा लगता है। जिले में खेलों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। राजस्व मंत्री और जिला संरक्षक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आज यहां कहा कि मुक्केबाजी खिलाड़ियों के लिए एक अलग मैदान विकसित किया जाएगा। स्थानीय वसंत देसाई स्टेडियम में 67वें राष्ट्रीय स्कूल मुक्केबाजी और स्कूल खेल टूर्नामेंट में बोल रहे थे। इस अवसर पर विधायक प्रकाश भारसाकले, हरीश पिंपले, वसंत खंडेलवाल, अमोल मिटकरी, कलेक्टर अजित कुंभार, जिला खेल अधिकारी सतीश चंद्र भट्ट आदि उपस्थित थे। पालक मंत्री श्री विखे पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया के जरिए देश में खेल क्षेत्र के विकास को गति दी। जिले में स्थानीय एथलीटों के लिए भी कई गतिविधियां संचालित की जाएगी। बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए इंडोर ग्राउंड विकसित किया जाएगा। पालक मंत्री ने अकोला में राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के अच्छे आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी। प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों में विजेता रहे खिलाड़ियों को पालक मंत्री द्वारा पदक, बैज और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। स्पर्धा में महाराष्ट्र की टीम ने ऑल ओवर टीम चैंपियनशिप जीती, जबकि हरियाणा की टीम दूसरी और CBSE की टीम तीसरे स्थान पर रही। स्पर्धा के 14 वर्ष आयु से कम गुट के मुक्केबाज हर्षल, 17 वर्ष की आयु से कम गुट के मुक्केबाज जतीन हरियाणा से और 19 वर्षीय आयु से कम गुट के मुक्केबाज रेहान शाह जो कि अकोला महाराष्ट्र के हैं, इनको उत्कृष्ट मुक्केबाज के पुरस्कार से नवाजा गया। संचालन नीलेश गाड़गे एवं विकास काटे और आभार प्रदर्शन जिला क्रीड़ा अधिकारी सतीश चंद्र भट्ट ने किया। NBC न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट।